देखिए कितनी अच्छी चटनी है। तो किस चीज की चटनी है जानते हैं? मूंगफली की चटनी है और इतनी टेस्टी चटनी है। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से हमने ये चटनी तैयार की है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं चटनी किस चीज की है। तो ये चटनी है मूंगफली की। तो देखिए यहाँ पे हमने मूंगफली लिया है, रोस्टेड मूंगफली है। इसको हमने घर में ही भून लिया इस तरह से। इसमें देखिए कुछ में छिलके भी लगे हैं, तो हम इसी तरह से चटनी बनाएंगे। यहाँ पे सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, दही लिया है 2 चम्मच। ये हमारा देखिए घर में ही बनाया हुआ है गरी का, सूखा गरी था, उसको इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है पतला पतला। और यहाँ पे लहसुन लिए हैं 7 से 8, अदरक है 1/2 इंची, 2 हरी मिर्च है और 1/4 स्पून जीरा है। और यहाँ पे मीठा करने के लिए 2 खजूर यहाँ पे डाल रहे हैं। अगर आप चाहिए तो इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं। तड़के के लिए करी का पत्ता है, राई है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च की जगह आप चाहिए तो रेड चिली पाउडर या रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सब मिक्सर जार में डाल के पहले सबसे पहले तो इसको पेस्ट बनाएंगे पतला सा। इसमें लहसुन डाल देंगे या अदरक डाल देंगे छोटा छोटा किया हुआ, खजूर को भी इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। हरी मिर्च, नमक, दही, ये जीरा, इन सबको डाल के इसमें नारियल भी डालेंगे। थोड़ा सा नारियल गार्निशिंग के लिए रख रहे हैं। और सब में पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1/2 बॉल हम पानी डाल रहे हैं। इसको डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए हमने इसको फाइन सा पेस्ट बना लिया है। देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना बढ़िया से बन गया है। अभी हम चलिए इसके लिए तड़का बनाते हैं। तो तड़के में देखिए हमने पैन रख दिया, इसमें हम 2 स्पून के करीब यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं। और इसमें हम तेल को गर्म हो जाने देते हैं। इसमें डाल देंगे हम राई, देखिए राई एकदम तड़क गया है। इसमें हम करी पत्ता हरी मिर्च डाल देंगे इसी के साथ। इसमें लहसुन पड़ा है तो इसके कच्चेपन को हटाने के लिए इसमें इसके साथ हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसको पका लेने से क्या होता है, इसमें लहसुन का जो स्मेल आती है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही टेस्टी हमारा चटनी बनके तैयार होता है। अब इस मिक्सर जार में जो हमारा एक्स्ट्रा मिक्सर पड़ा हुआ है उसको हम डाल के इसमें मिला के डाल देंगे। देखिए इसको हम 1 मिनट तक इस तरह से चला के पका लिए हैं। हमारा चटनी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बोल में आपको सर्व करके दिखाते हैं। गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए हमने बोल में इसको सर्व कर दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा गार्निशिंग कर दे रहे हैं इसे नारियल से। देखिए कितना टेस्टी हमारा चटनी बन के तैयार हुआ है। टेस्ट में तो इतना बेहतरीन है कि आप जब इसको बनाएंगे तब आप समझेंगे। इस मेथड से आप बनाइए चटनी, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इडली के साथ, सांभर के साथ, डोसे के साथ, पराठे पूड़ी के साथ आप इसको खाइए, एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि 1 लाइक तो जरूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी चटनी की रेसिपी है, इसे आप जरूर फॉलो करिए। इसी के साथ थैंक यू।